कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कल वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशान सिंह। चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के दौरान पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे। हाल ही में निशान सिंह ने जेजेपी को अलविदा कहा था, तब से अटकलें थी, कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अब अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, कल वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जेजेपी के अध्यक्ष थे निशान सिंह और अब कांग्रेस का कुनबा बढ़ता हुआ। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदान इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़े हैं फोनलाइन से। अंकित, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, एक और दिग्गज नेता हरियाणा कांग्रेस में कल शामिल होंगे, निशान सिंह कल कांग्रेस का हाथ थामेंगे, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, निशान सिंह जो है बड़े ही दिग्गज नेता है और टोहाना से संबंध रखते हैं, टोहाना से वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निशान सिंह जो है उन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहा था अभी कुछ ही दिन पहले, और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने समर्थकों से बात करके अगला डिसीजन लूंगा। अब उन्होंने तय किया है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वही कल उनको ज्वाइन करवाते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि लगातार नेताओं का रुख कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है और लगातार कांग्रेस की ओर नेता ज्वाइन करते जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी से लगातार नेता छोड़ रहे हैं। कल भी जो चरखी दादरी में युवा कांग्रेस, युवा जो जननायक जनता पार्टी है उसके प्रदेश प्रधान महासचिव थे रब्बू पवार, उन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। तो लगातार जो है वो ज्वाइनिंग हो रही है। कोई जो जननायक जनता पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं, जजपा को लोग छोड़ रहे हैं, नेता छोड़ रहे हैं। अगर टोहाना की बात करते हैं तो टोहाना से भले ही जेजेपी का बड़ा चयन है, कल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, उधर जो पूर्व मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनके भी हमने सोशल मीडिया के जरिए ये समझ गए थे कि वो भी जल्द ही अपनी पार्टी बदल लेंगे। टोहाना से अगर सियासी समीकरणों को समझें, यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूर्व मंत्री परमवीर सिंह वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं, अब इतने बड़े दिग्गज नेता फिर घर वापसी करें, क्योंकि कांग्रेस से ही नाता रहा निशान सिंह का, अब फिर से कांग्रेस में आएंगे तो टोहाना विधानसभा पर क्या समीकरण देखें? बिल्कुल, टोहाना अगर विधानसभा की बात की जाए तो वहां से सबसे पहले सुभाष बराला जो कि अब राज्यसभा में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी खत्म हो जाती है विधानसभा चुनाव के लिए। अब देवेंद्र बबली हैं जो कि जननायक जनता पार्टी में आया है अभी क्योंकि विधायक है, तो अभी लगता नहीं है कि वो अभी जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहेंगे, लेकिन उनका ये समझा जाए कि वो अलविदा कह चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे मनोहर लाल उनके साथ उनकी काफी नजदीकियां हैं, तो भाजपा में वो जरूर जो लगता है कि चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे भाजपा की टिकट पर। और परमवीर सिंह की उम्र हो चुकी है, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उन पर दाव ना खेल करके निशान सिंह जो शामिल हो रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, निशान सिंह पर एक बार दाव खेल सकती है टोहाना से, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला रोचक रहेगा अगर निशान सिंह और देवेंद्र बबली आमने सामने चुनाव के अंदर आते हैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी में रहे हैं और लंबे समय तक 4.5 साल तक दोनों ने एक ही पार्टी में रह के जो राजनीति की है। अब आने वाले 2019 में भी जिस तरीके से देवेंद्र बबली को टिकट दिया जेजेपी ने, उस वक्त भी प्रबल दावेदार थे निशान सिंह, लेकिन देर हो गई थी। देवेंद्र बबली ने को जब टिकट दिया गया था तो निशान सिंह की सहमति से ही दिया गया था, क्योंकि निशान सिंह ने उस समय चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो लेकिन अब 2024 के अंदर एक बार लग रहा है कि उनकी फिर से एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है, तो इसलिए वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो कल कांग्रेस का हाथ थामेंगे जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशान सिंह, लंबे अरसे बाद, कई सालों के बाद फिर से उनकी घर वापसी होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट कटने पर श्रुति चौधरी के आंसू छलके हैं। मंच पर जब वो संबोधित कर रही थी उस वक्त श्रुति चौधरी भावुक हो गई और इस भावुकता के बीच उन्होंने कहा कि मेरी आंखें कमजोरी से नहीं,
बल्कि भावुकता से नम हुई है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुतिका स्पेयर पार्टी ने टिकट काट दिया है। राव दान सिंह को यहां से पार्टी ने टिकट दिया है। इसी बात को लेकर समर्थकों के बीच माँ बेटी कल पहुंचे थे और समर्थकों के बीच जब वो संबोधित कर रही थी उसी दौरान श्रुति चौधरी भावुक होती हुई नजर आई। कहा कि हमने पार्टी का झंडा उस वक्त उठाया था जब कोई तैयार नहीं था, मैं और काम करना चाहती थी, पर आप ना डरे, निराश ना हो, मैं आगे भी काम करूंगी। ये अग्नि परीक्षा है, हमें इससे आगे बढ़ना होगा। राजनीति में समय के हिसाब से एक दूसरे को पटखनी देते हैं, बाजी कोई और मार गया पर हमें आगे की तैयारी करनी है। तो पटखनी जो दी है इस बार राव दान सिंह ने दी है, हुड्डा खेमे से आते हैं। श्रुति का टिकट काटकर इस बार राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। मेरी आंखें नम होती हैं तो ये भावुकता से होती है, कोई कमजोरी से नहीं। आप लोग मेरी आत्मा में बसे हुए हो, बाजी किसी और ने मार ली लेकिन तैयारी अब करेंगे ताकि आगे हमारा क्षेत्र, हमारे लोग पीछे नहीं रहे। मैं हमेशा के लिए आपके साथ खड़ी हूं। एक एक वचन जो मैंने एक एक भाई और बहन को दिया है, मैं उस वचन को अपने जीवन में, परमात्मा मुझे इतना लायक बनाए और आपका साथ बना रहे, उस एक एक वचन को पूरा कर। बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद किरण चौधरी भी तलख तेवर दिखाती हुई नजर आई। हुड्डा और दान सिंह पर दहाड़ती हुई नजर आई हैं किरण चौधरी। बेटी की टिकट कटने पर उनके तेवर अलग ही नजर आ रहे हैं। कल समर्थकों के बीच कहा कि जो हुआ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब सोचते हैं कि कोई आगे निकल जाएगा। हमने ईमानदारी से काम किया, कोई एक पैसे का आरोप हम पर नहीं है। और यहाँ किरण चौधरी ने इशारों ही इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला किया। कहा कि हम उन लोगों में से नहीं है जिन पर हजारों करोड़ रुपए के केस हो। हमने इनकी तरह ना सीएलयू से कमाई की, ना विदेशों में करोड़ रुपए रखे हैं। इशारों में से लेकिन उनके निशाने पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। उन्हीं केसों का हवाला देते हुए कहा कि उन पर एक रुपए तक का मुकदमा दर्ज नहीं है, आरोप तक नहीं है। हम उनमें से नहीं है जिन पर हजारों करोड़ रुपए केस दर्ज। हमने इनकी तरह सीएलयू से कमाई नहीं की। जो हुआ वो आप सबके सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई सब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। और हम किस लिए लड़ते हैं? हम लड़ते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा जो इलाका है उसके अंदर विकास हो, एक एक कार्यकर्ता का भला हो और उसकी आवाज आगे सुनी जाए और वो आगे बढ़े। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं है जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। हम उनमें से नहीं है जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं है जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएलयू लगाकर खूब कमाई करी है। हम यहां पर केवल और केवल सेवा, निजी